Hello everyone, I am Soikat Chatterjee and welcome to our channel BTN Academy. Landing page playlist का आज जो episode है इसमें हम लोग देखेंगे कि home page और landing page में क्या अंतर होता है. What are the differences between home page and a landing page? अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन ताकि हमारा जो आगे आने वाला वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. हमारा वेबसाइट तो है, एक फुल फ्लेजेड वेबसाइट है, उसमें सारे सर्विसेज सारे प्रोडक्ट्स का डिटेल्स है, तो फिर लैंडिंग पेज क्यों चाहिए? लैंडिंग पेज का ज़रूरत क्या है? लैंडिंग पेज का ज़रूरत है और क्यों है वो हम डिटेल में समझ लेंगे. अभी पहले डिस्कस करते हैं होम पेज का. होम पेज का पर्पस है, दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द होल वेबसाइट एंड पूरा वेबसाइट का जो ग्लिम्सेस है, डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्शंस है सबका थोड़ा थोड़ा करके होम पेज में रहता है. नेविगेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर होम पेज और ए वेबसाइट. यहाँ पे जितना भी सर्विसेस है, प्रोडक्ट्स है, या जो अबाउट अस है, मिशन एंड विजन स्टेटमेंट है, तो उसका पूरा लिंक हेडर का मेनू में रहता है. फुटर में क्विक लिंक्स या जो इम्पोर्टेंट लिंक्स है वो रहता है ताकि कोई विजिटर पूरा साइट में क्या क्या है उसका लिंक वहाँ पे देख सके. होम पेज में ज़्यादातर मिक्स टाइप ऑफ कंटेंट रहता है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ द वेबसाइट, अबाउट अस, मिशन विजन, फीचर्ड और रिसेंट पोस्ट, जैसे ब्लॉग पोस्ट रहता है, क्या लेटेस्ट पोस्ट आया है उसका, प्रोडक्ट और सर्विसेज का हाईलाइट रहता है, टेस्टिमोनियल्स रहता है और जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सब होम पेज में रहता है. इसका ऑडियंस है ब्रॉड. होम पेज का ऑडियंस होता है ब्रॉड ऑडियंस. जैसे हमारा कंपनी डिजिटल मार्केटिंग करता है, वेबसाइट डिजाइनिंग करता है, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, सारे कुछ, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये सारे सर्विसेज देता है, तो होम पेज में ये सब का इंफॉर्मेशन रहेगा इन ब्रीफ. अभी आते हैं लैंडिंग पेज के. लैंडिंग पेज का पर्पस अलग होता है. लैंडिंग पेज का पर्पस होता है कि एक साइट का विजिटर का इंफॉर्मेशन ग्रैब करना या कुछ सेल करना या कुछ रजिस्ट्रेशन करना. जैसे लास्ट एपिसोड में हमने दिखाया था कि कितना तरीके का लैंडिंग पेजेस हो सकता है. हमने 8 एग्जांपल्स दिया था, वो सारे टाइप का लैंडिंग पेजेस हो सकता है एंड उसका गोल्स उतना सारा हो सकता है. अगर आपने उस एपिसोड को अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ, आप एक बार जाके जरूर वो एपिसोड देख लेना. मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस. होम पेज में जैसा टॉप मेनू, बॉटम मेनू, साइड मेनू, डिफरेंट डिफरेंट रीड मोर, नो मोर, इतना सारा ऑप्शंस रहता है. लोग को जहाँ जहाँ जाना है, जो भी देखना है उसका लिंक रहता है. लेकिन लैंडिंग पेज में कोई भी एक्स्ट्रा लिंक नहीं रहता है क्योंकि लैंडिंग पेज में कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए. लैंडिंग पेज होता है टारगेटेड ऑडियंस के लिए. जो लोग गूगल एड चलाना चाहते हैं, मैं उसको क्यों व्हाट्सएप मार्केटिंग का बारे में बताऊं? मैं उसका क्यों वेबसाइट डिज़ाइन के बारे में बताऊं? तो गूगल एड्स के लिए जो लैंडिंग पेज है उसमें सिर्फ गूगल एड्स का ही सारे इंफॉर्मेशन रहेंगे और
उसका टारगेट यही होगा कि जो गूगल एड चलाना चाहते हैं उसका इंफॉर्मेशन ग्रैब करने के लिए, ताकि बाद में मैं उनको कांटेक्ट कर सकूं या उनको ये सर्विस सेल कर सकूं। आई होप कि मैंने लैंडिंग पेज और होम पेज का अंदर जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर कर सका। अगर इस वीडियो से आपका कुछ हेल्प हुआ है तो प्लीज पुट ए लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कॉलिग्स। अगर इस टॉपिक का ऊपर आपका कुछ क्वेरी है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।